गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में सभी लोगों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इंग्लिश मीडियम के क्लास टेंथ का जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेकंड नंबर का, उसी चैप्टर के अगले वीडियो के साथ और सेकंड चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट था शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के जीवन से काल से रिलेटेड, हम पिछले वीडियो के भीतर हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी के जीवन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि कब उनका जन्म हुआ था, उनकी माँ का नाम कौन था, उनकी माँ का नाम क्या था, उनके पिताजी कौन थे, किनसे उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पाई थी, शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा पाई थी, ये सभी बातें हमने पिछले वीडियो के भीतर पढ़ी थी। अब आज के वीडियो में हम शिवाजी के जीवन से रिलेटेड अन्य बातें जो हैं वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ कि मराठा लोगों का जो इतिहास रहा है, आप लोगों को कल बताया गया था कि जो दक्कन का पठार है महाराष्ट्र क्षेत्र से रिलेटेड है और मराठी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा प्रचलन यहाँ पर मौजूद है। मराठी लैंग्वेज जो है वो अपने आप में बहुत ही सरल और बड़ी व्यवहारिक लैंग्वेज है और मराठा महाराष्ट्र के आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो सभी मराठा के नाम से जाने जाते हैं। ये बात हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ी थी। फिर कल मैंने आप लोगों को जो महाराज शिवाजी थे उनके जीवन काल से शुरुआती जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में आप लोगों को बताया था। जैसा कि हमने आपको बताया था, कुछ याद दिला दूं मैं आपको पिछले वीडियो के बारे में, कि छत्रपति शिवाजी जो थे तो उनका जन्म शिवनेरी नाम का जो किला था वहाँ पर हुआ था। शाहजी भोंसले नाम के इनके पिताजी थे, इनकी माँ का नाम जीजाबाई था और शाहजी भोंसले ने जब एक दूसरी अन्य महिला जिसका नाम तुकाबाई मोहिते था उसके साथ में जब शादी कर ली तो जीजाबाई ने नाराज होकर के शाहजी भोंसले के साथ में अलग हो गई और साथ में अपने जो शिवाजी नाम के पुत्र थे उसको भी अपने साथ ले गई। फिर उन्होंने अपने जो गुरु थे स्वामी समर्थ रामदास जी उनके पास में उनको छोड़ दिया और जो उनके लोकल गार्जियन थे शिवाजी के दादोजी कोंडदेव उनके पास में उनके संरक्षण में शिवाजी का सारी शिक्षा हुई। जीजाबाई को जो छत्रपति शिवाजी थे उनकी प्रथम गुरु माना जाता है। तो ये सभी विशेष बातें जो है हम लोगों ने आप लोगों को बताई पिछले वीडियो के भीतर। आज के वीडियो में हम कुछ नई जानकारियां छत्रपति शिवाजी के जीवन से रिलेटेड है, नई जानकारियां वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आइए करते हैं शुरुआत। एट द एज ऑफ 12 शिवाजी द स्टेट ऑफ पुणे फ्रॉम हिज फादर फर्स्ट इन 1646 एडी एट द एज of 90 he performed a group of mawala comrades and won Raigarh and Chakan from Bijapur's sultan। ab dekhi kya kaha gaya hai, 12 varsh ki bahut hi nav avastha mein keh sakte ho ya bahut hi choti umar ke andar keh sakte ho ki shivaji jo hai unko pune ki jagir prapt ki gayi thi, ya ye keh sakte ho 12 varsh ki umar mein shivaji ne apne pitaji se sabse pehle और पुणे की जो जागीर थी उसको हासिल किया था 1646 ईस्वी के अंदर। और जब 1646 के भीतर इन्होंने बहुत ही कम उम्र के अंदर इन्होंने अपने पिताजी से पुणे की जो जागीर थी उसको हासिल किया और 19 वर्ष की बहुत ही छोटी कम उम्र के अंदर ही परफॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ मवाला कॉमरेड। उन्होंने क्या करा कि मवाला कॉमरेड के जो लोग थे उनको अपने साथ इकट्ठा किया एंड वॉन रायगढ़ एंड चाकन फ्रॉम बीजापुर से सुल्तान। और बीजापुर के जो समय सुल्तान थे उनसे चाकन और रायगढ़ के किले को उन्होंने जीत लिया। ध्यान रखना है रायगढ़ का जो किला है वो महाराष्ट्र में स्थित है और महाराज छत्रपति शिवाजी के जीवन काल से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण जो किला है वो ये छत्रपति शिवाजी के जीवन से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण किला है वो या तो शिवनेरी का दुर्ग है और या फिर रायगढ़ का दुर्ग है। इन 1646 तो 1647 ईस्वी के अंदर ही आल्सो ऑक्युपाइड बारामती इंद्रपुर सिंहगढ़ एंड पुरंदर फोर्ट। और 1647 ईस्वी के भीतर उन्होंने बारामती का इंद्रपुर का सिंहगढ़ का और साथ में ही पुरंदर का जो किला था ये जीत लिए थे। अब आप सभी लोगों को अच्छे से याद रखना है कि जितने भी किले थे ये इन सभी का संबंध जो है वो महाराष्ट्र से है। आगे ध्यान रखना है कि इन 1656 एडी 1656 ईस्वी के भीतर शिवाजी आल्सो ऑक्युपाइड कोंकणस कल्याण एंड जावली फोर्ट। और उसके बाद में के शिवाजी ने 1656 ईस्वी के अंदर कोंकण क्षेत्र के भीतर आने वाला कल्याण का दुर्ग और जावली के किले को भी जीत लिया। इन 1656 और 1656 ईस्वी के भीतर ही मेड रायगढ़ हिज कैपिटल।
के जो महाराज शिवाजी थे उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। तो ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी ने कौन कौन से जिलों को अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों में जीता और साथ में किस क्षेत्र को छत्रपति शिवाजी ने अपनी पहली राजधानी बनाया, तो उसका नाम था रायगढ़। अभी मैंने आपको कहा था कि छत्रपति शिवाजी के जीवन से रिलेटेड दो किले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे, पहला तो शिवनेरी का किला और दूसरा जो था वह था रायगढ़ का किला। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम कि बीइंग कंसर्न्ड बाई शिवाजी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। अब कहता है कि शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से चिंतित होकर के बीजापुर से सुल्तान सेंट हिज कमांडर अफजल खान टू एलिमिनेट हिम, कि बीजापुर के जो सुल्तान थे उन्होंने अपने कमांडर, अपने प्रधान सेनापति जिनका नाम था अफजल खान, उनको महाराजी शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा, महाराजी शिवाजी का पूरा सर्वनाश करने के लिए भेजा। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द टास्क ऑफ अलायंस, अब लेकिन नाश तो कर नहीं सके क्योंकि शिवाजी महाराज उस समय इतने ताकतवर और पावरफुल मराठा शक्ति थे कि जिन्हें आसानी से एलिमिनेट करना आसान नहीं था, तो इसलिए संधि करने के बारे में सोचा। और अफजल खान जो था उसने थोड़ी चतुराई से संधि करने की बात जो थी वो शिवाजी महाराज के सामने रखी। तो ड्यूरिंग द टास्क ऑफ अलायंस, अब जब संधि की बातचीत चल रही थी तो उसी संधि की बातचीत के दौरान अफजल खान ट्राइड टू बीट्रे शिवाजी, के अफजल खान जो कि बीजापुर के सुल्तान का कमांडर था अफजल खान, उसने संधि की बात करते हुए या संधि की बात करने के दौरान महाराज छत्रपति शिवाजी के साथ में क्या किया, धोखा किया और धोखा करने का प्रयास किया। लेकिन महाराज शिवाजी बड़े चतुर एक शासक थे, बड़े चतुर व्यक्ति थे, तो वो उसके धोखे को पहले समय से पहले ही समझ गए एंड एज ए रिजल्ट और परिणाम स्वरूप महाराज छत्रपति शिवाजी ने स्लिट इज स्टमक यूजिंग ए बगनखा, कि स्लिट मतलब चीर दिया, फाड़ दिया, यूजिंग ए बगनखा, कि एक बगनखा ये एक प्रकार का हथियार होता है, बाघ के नाखूनों के समान बड़ा पैना और धारदार हथियार होता है, तो उसको काम में लेकर के महाराज शिवाजी ने उसके पेट के भीतर की जितनी भी अंतड़ियां थी उन सभी को खींचकर बाहर निकाल लिया और अफजल खान को उसी समय मौत के घाट उतार दिया। यानी कि अफजल खान ने कोशिश की थी कि महाराज शिवाजी को धोखा दे दे, लेकिन उसका उस योजना के भीतर अफजल खान जो था वो सक्षम नहीं हो पाया, समर्थ नहीं हो पाया या सफल नहीं हो पाया। आगे देखते हैं, 1659 AD, तो उस औरंगजेब ने दक्षिण के क्षेत्र का एक मुगल वायसराय नियुक्त किया और वो वायसराय नियुक्त किया गया था साइस्ता खान को, और इसका मेन मकसद जो था इस साइस्ता खान की नियुक्ति का वो यही था। औरंगजेब ने इसी कारण से साइस्ता खान को मुगल दक्षिण के क्षेत्र का मुगल वायसराय नियुक्त किया था और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि उसे इसलिए लगाया गया था उस दक्षिण के क्षेत्र में कि वह महाराज शिवाजी की उस बढ़ती हुई शक्ति को क्या कर सके, धीरे धीरे समाप्त कर सके या उसको सर्वनाश कर सके। तो उसके बाद में क्या होता है कि शिवाजी को आगे इन 1663 तो औरंगजेब ने 1663 ईस्वी के भीतर अपने मुगल वायसराय जिसका नाम था साइस्ता खान, तो उसको दक्षिण के पठार के आसपास इलाके के भीतर वायसराय नियुक्त करके भेजा और इसकी नियुक्ति का जो प्रमुख कारण था वो यही था कि इसे वहां पर नियुक्त किया गया था महाराज शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए। अब क्या होता है कि शाइस्ता खान ऑक्यूपाइड पुणे। अब शाइस्ता खान, जैसा कि हम जानते हैं कि मुगलों की जो शक्ति थी उसके सामने महाराज शिवाजी की शक्ति कुछ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, तो इसलिए शाइस्ता खान ने क्या करा कि पुणे का जो क्षेत्र था उसके ऊपर ऑक्यूपाइड अधिकार कर लिया, विच वाज शिवाजी सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके बाद में यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ये जो पुणे नाम का क्षेत्र था महाराज शिवाजी के प्रशासन का प्रमुख केंद्र था और शाइस्ता खान ने उस पुणे नामक क्षेत्र के ऊपर ही सबसे पहले कब्जा किया। आगे बट शॉर्टली आफ्टर दिस, लेकिन इसके कुछ समय बाद में ही शिवाजी अटैक्ड शाइस्ता खान कैंप इन द नाइट टाइम। और अब शिवाजी महाराज
के बारे में, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये गुरिल्ला पद्धति को अपनाया करते थे, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाते थे। तो महाराज शिवाजी ने उस पुणे नामक क्षेत्र को वापस जीत हासिल करने के लिए उन्होंने क्या करा कि जब शाइस्ता खान रात के समय पर युद्ध भूमि के अंदर कैंप लगा करके सो रहे थे, तो उसी समय शिवाजी ने रात के समय में शाइस्ता खान के कैंप के ऊपर रात के समय में हमला किया एंड फ्रॉम देयर, और वहां से जो शाइस्ता खान थे जिनको कि मुगल वायसराय नियुक्त किया गया था औरंगजेब के द्वारा, तो वे हैड टू रन अवे आफ्टर लॉजिंग हिज सन, तो उन्हें अपने पुत्र को एंड हिज थ्री फिंगर्स ऑफ हिज हैंड, और अपने हाथ की तीन उंगलियों को गंवाने के बाद में बड़ी मुश्किल से वहां से भागना पड़ा। अब आगे देखते हैं, इन 1664 एडी 1664 ईस्वी के भीतर शिवाजी लूटेड सूरत, के शिवाजी महाराज ने सूरत के क्षेत्र को लूटा जो कि व्यापार का उस समय बहुत ही प्रमुख केंद्र था, विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय द मुगल्स, और जिसके ऊपर अधिकार था उस समय मुगलों का। तो शिवाजी महाराज ने बार बार मुगलों के उन सभी क्षेत्रों के ऊपर हमला किया और साथ में उन्हें जीतने की कोशिश करी, तो उसी जीत के भीतर सूरत नाम के क्षेत्र के ऊपर इस शिवाजी ने एक बार सूरत को लूटा और साथ में ही मुगलों का उस समय उस सूरत नामक क्षेत्र के ऊपर अधिकार था। एंगर्ड बाय दीज एक्टिविटीज, अब शिवाजी महाराज की इन सभी हरकतों से गुस्सा होकर क्रोधित होकर के आगे औरंगजेब सेंट हिज मिनिस्टर किंग ऑफ मिर्जा जयसिंह, के औरंगजेब जो थे उन्होंने अपने प्रधानमंत्री या कह सकते हैं कि उन्होंने अपने मंत्री राजा आमिर के मिर्जा जयसिंह को और दिलनेर खान को उस शिवाजी महाराज का दमन करने के लिए भेजा। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात बता दूं कि यहां आपके बुक्स के भीतर ये मिर्जा राजा जयसिंह बताया गया है, लेकिन ये मिर्जा राजा जयसिंह नहीं था, ये सवाई जयसिंह था। आप लोगों को मैं यहाँ बोर्ड पर लिख करके इसीलिए बता रहा हूँ कि ये मिर्जा राजा जयसिंह नहीं था, ये सवाई जयसिंह था, क्योंकि औरंगजेब के काल के भीतर सवाई जयसिंह मौजूद था, ये बात ध्यान रखनी है। तो दिलनेर खान को और सवाई जयसिंह को दोनों को भेजा गया कि आप जाइए और जाकर के जो शिवाजी महाराज हैं उनकी इन सभी हरकतों को रोकने का प्रयास कीजिए। आगे, मुगल आर्मी ऑक्यूपाइड सेवरल फोर्ट्स ऑफ शिवाजी, अब दोनों के नेतृत्व में जब मुगल आर्मी चली और जाकर के उन्होंने शिवाजी का दमन करने का प्रयास करा, तो इन दोनों की संयुक्त सेना ने क्या करा कि शिवाजी महाराज के अनेकों किलों के ऊपर कब्जा कर लिया। Being helpless, Shivaji entered into a treaty with Jai Singh in 1665 AD. और इसी चीज से प्रभावित होकर के जो महाराज शिवाजी थे कि वे इस चीज से बड़े दुखी होकर के या इस चीज से बड़े प्रभावित होकर के या बिल्कुल ऐसा वे महसूस करते हो, उन्होंने एक संधि करने के बारे में सोचा। With आगे in 1665 AD 1665 ईस्वी के भीतर, अब यहाँ कहने का मतलब है 1665 ईस्वी के अंदर जो महाराज शिवाजी थे उनको ये लगने लगा कि औरंगजेब की सेना के सामने हम लोगों की ज्यादा कोई महत्व नहीं है और ज्यादा कोई हमारा अस्तित्व ज्यादा समय तक टिका नहीं रह पाएगा, तो इसीलिए जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने 1665 के भीतर औरंगजेब की सेना जो थी उसको ज्यादा प्रभुत्व मानते हुए या उसको ज्यादा दमदार समझते हुए एक संधि करने के बारे में सोचा, विच इज रिनॉन्ड एज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसे कि पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। बोर्ड की दृष्टि से दसवीं कक्षा के भीतर इस पुरंदर की संधि का वर्णन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और दो नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है इस लेसन के भीतर से, तो आपको याद रखना है 1665 के भीतर हुई थी, सवाई जयसिंह और महाराज शिवाजी के बीच में हुई थी, और इस संधि के दो प्रमुख प्रावधान रखे गए थे, दो प्रमुख शर्तें रखी गई थी, उनके बारे में भी नीचे आपको वर्णन किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, बोर्ड की दृष्टि से यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और सवाल पूछा जाएगा कि पुरंदर की संधि क्या थी, इसके भीतर कौन कौन से शासक शामिल थे, किस वर्ष के भीतर ये संधि की गई थी और इसके भीतर इस संधि के भीतर कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी। तो बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। आगे कहता है, फॉलोइंग्स वर द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी, अभी जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि ये एक ऐसी संधि थी जिसके भीतर जो शर्तें निर्धारित की गई थी, जो प्रावधान रखे गए थे, उनको भी आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसमें कौन सी शर्तें रखी गई थी, शिवाजी महाराज के शक्ति को काबू करने के लिए, शिवाजी महाराज की शक्ति का दमन करने के लिए जो औरंगजेब थे जिन्होंने कि सवाई जयसिंह के नेतृत्व में यह संधि को पूरा किया था, तो दो शर्तें रखी गई थी शिवाजी महाराज के सामने, तो कौन सी शर्तें थी,
क्योंकि शिवाजी महाराज को पता था कि औरंगजेब की सेना के सामने ज्यादा समय तक हमारी मराठा शक्ति टिकने वाली नहीं है, तो इसलिए शिवाजी महाराज ने संधि करने को ही उचित समझा और उन्होंने समझौता कर लिया औरंगजेब की सेना से। और औरंगजेब की तरफ से जो ये संधि करने आए थे पुरंदर की संधि, तो वो संधि के भीतर जो दूसरे पक्ष थे शिवाजी के अलावा वे थे सवाई जयसिंह। शिवाजी सरेंडर 23 फोर्स आउट ऑफ हिज 35 फोर्स ऑफ द मुगल्स आगे एंड कैप्ट नियरली 12 फोर्स विद हिमसेल्फ। अब देखिए कहता है कि शिवाजी ने 23 किले आउट ऑफ हिज 35 फोर्स टू मुगल, यानी कि महाराज शिवाजी ने अपने लाइफ टाइम के भीतर 35 किलों को जीता था, जब 35 किलों को जीता था तो उन 35 किलों में से 23 किले तो इस संधि की शर्त के अनुसार औरंगजेब को देने पड़े। महाराज शिवाजी को बाध्य होकर के, महाराज शिवाजी को परेशान होकर के, या कह सकते हो कि आप औरंगजेबों की सेना को ज्यादा ताकतवर मानते हुए अपने 35 किलो में से 23 किले तो मुगलों को देने पड़े। आगे एंड कैप्ट नियरली 12 फोर्स विद हिमसेल्फ, और केवल 12 ही किले उन्होंने अपने पास रखे। दूसरा जो इस संधि की शर्त रखी गई वो शर्त ये थी कि शिवाजीज एल्डर सन संभाजी वाज अपॉइंटेड एज 5000 मनसबदार, कि शिवाजी का जो बड़ा बेटा है जिसका नाम था संभाजी, उनको मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में 5000 मनसबदार के रूप में नियुक्ति दी गई। अब सही कहें तो इनको 5000 मनसबदार की नियुक्ति दी जरूर गई थी शिवाजी महाराज के बड़े बेटे को, लेकिन यदि इसका एक नजरिया ये देखे तो मुगल सम्राट जो औरंगजेब था वो ये चाहता था कि कहीं शिवाजी महाराज जो है वो चतुराई में बड़े एक्सपर्ट थे, या कह सकते हो बड़े चतुर व्यक्ति, तो कहीं वो इस संधि को तोड़ ना दे। तो इस चीज की गारंटी के तौर पर उन्होंने महाराज शिवाजी के बड़े बेटे को अपने राज दरबार के अंदर नियुक्त कर लिया था। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि महाराज शिवाजी के जीवन काल से रिलेटेड अनेक कुछ अन्य तथ्यों के बारे में हमने आज के वीडियो में जानकारी ली। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के भीतर महाराज शिवाजी के जीवन काल से रिलेटेड कुछ विशेष बातों के बारे में और अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।